हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण है, हम में कोई शक है, हम में कोई मुगल है, दफने हैं तो जो बात, दफने हैं जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। समझ में आया? हम में कोई हूण है, कोई हूण उधर के आए, कोई शक है वो इधर से आए, कोई मंगोल है कोई उधर से आए, अफगानिस्तान इधर से। लेकिन ये बात सब हिंदुस्तान में भूल गए हैं। दफने हैं जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, यही मेरा कहना उनको है। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छोड़िए, दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये मैं कहना चाहता हूं अपने लोग, हम तो क्या है, बेहतर दिनों का सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे मोदी साहब, लेकिन वो छोड़ दिए। हम तो बेहतर दिनों की आस लगाते हुए अभी हम बेहतरीन दिन भी गंवा लिए, हम बेहतरीन दिन भी गंवा लिए। इनके आस में लोग समझे भाई कुछ सबका साथ सबका विकास अच्छे दिन आएंगे। अरे उससे बड़े दिन आए, कम से कम वो हमारे अच्छे दिन जो पहले थे वो तो लाओ बात। इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, डरो मत, अगर डर गए तो मर गए। वो बोलते ना, बट गए तो कट गए, मैं तो एक ही बोलूंगा, अगर आप डर गए तो मर गए। आप एक हो के देश को बचाना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आदिवासी, आदिवासी लड़े हैं, इसीलिए तो उनकी जयंतियां मनाते हैं, याद करते हैं उनको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।